हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे, और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है सबके साथ चाय पीने के साथ, और मम्मी पापा पी चुके हैं, उसके बाद हम लोग आ गए हैं पीने के लिए। और चाय के साथ सबको दे दिए हैं सेव जो बनाए थे, और घर पर बना लो तो यही आराम रहता है, फिर सोचना नहीं पड़ता क्या दें चाय के साथ क्या नहीं दें। तो अभी तो खाने में बनी है खिचड़ी, क्योंकि कल रात को जो है काफ़ी भारी खाना हो गया था, पूड़ी कचौड़ी छोला। तो सभी लोगों का मन था कुछ हल्का सा खाने का, यानी कि सिंपल सा खाना, तो खिचड़ी ही बना दी है। उसके बाद यहाँ टमाटर और धनिया की चटनी पीस रहे हैं, और कुछ लोग दही के साथ खाते हैं, कुछ लोग चटनी सलाद के साथ खाते हैं, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लगा दिया है चारू, और चारू के पापा के लिए, और सबके साथ थोड़ा थोड़ा खा लेती हैं, नहीं तो अकेले बिठा के खिलाओ तो ये तो खाती नहीं, बहुत ज़्यादा नखड़े करती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए झूला क्या पड़ गया है, घर में आसन बन गया है, हर कोई आता है झूले पर बैठता है, खाता है पीता है, और चारू तो हमारी इसी पर विराजमान रहती है हमेशा। बारिश शुरू हो चुकी है, वही हम छत पर आए थे, कुछ पड़ा तो नहीं है, और अभी 9 बजे होंगे, अभी से बारिश चालू हो गई है। और सुबह ही सुबह शुरू हो गई है जमकर बारिश, अभी बूंदे ही पड़ रही थी तब हम छत पर देखने गए थे कि कुछ पड़ा है कि नहीं, अगर पड़ा होगा तो उठा के रख देंगे। और ये देखिए खेतों का नज़ारा, झमाझम वाली बारिश हो रही है, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी आज। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1-1.30 बजे तक जमकर बारिश हुई है, इसी वजह से ना तो कोई काम हो पाया ना कोई वीडियो बन पाया बीच में। अब जाकर बारिश कुछ थमी है, तो हम लेकर आ गए हैं अपने कपड़े। वैसे तो हम दोपहर तक या सुबह ही धो डालते, लेकिन बारिश की वजह से बाहर कैसे निकलते, कैसे कपड़े धोते, और धोकर भी डाल दो तो सबसे ज़्यादा समस्या जो होती है वो फैलाने की होती है, कहाँ पर गीले कपड़े फैला दें। और कल गुड़िया थी तब तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन आज ये देखिए इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पूरे आंगन में सिर्फ फूल पत्तियां ही दिख रही हैं, पूरा आंगन जो है फूलों से हमारा सज चुका है। और बारिश के बाद पेड़ पौधों में तो लगता है जैसे एक नई जान आ जाती है, कितनी नई रंगत आ जाती है। और सावन का महीना चल रहा है तो बारिश के बाद चारों तरफ हरा हरा सा दिखता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारे कपड़े बस धुलने ही वाले हैं, और आज है हमारे गाँव का मेला। और नाग पंचमी के दूसरे दिन मेला लगता है, तो आज का मेला देखिए कैसे लगता है, क्योंकि बारिश जो है सुबह से रुकने का नाम नहीं ले रही है, और अभी थमी है अभी तो, लेकिन बादल जो है चारों तरफ घने घने बादल छाए हुए हैं। अभी ये देखिए 1-2 दुकानें ही आई थी कि फिर से शुरू हो गई है बारिश, और चारू हमारी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी जाने के लिए, क्योंकि जब बच्चे जाने लगते हैं तो ये भी पास आती है, मम्मी हमको भी भेज दो, हमको भी साथ में जाना है। तो इनके पापा लेकर गए इनको, क्योंकि सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि शाम तक हम मेला जाएंगे। और ये देखिए अपने मन पसंद चीजें खरीद रही हैं, और खिलौने चाहे जितने भी ये खरीद लें इनके लिए कमी रहते हैं। और इतनी ज़्यादा आफत आ गई थी क्या बताएं, ये जब वापस आए तब बता रहे थे कि इतनी बारिश होने के बावजूद जो है लोग मेले में चले आ रहे थे, छाता लेकर या सफ़ेद वाली पन्नी ओढ़कर चले आ रहे थे कि मेला देखने जाना है। तो चारू एक घर में रुक गई है, मतलब बाहर रुक गई है, तो वहीं पर चाउमीन खा रही हैं, और हम बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे कि भीगी तो नहीं है, लेकिन बाहर रुकी हुई थी, जब बारिश बंद हुई है तब घर आई है। इतनी बारिश के बावजूद लोग आते चले आ रहे हैं, और ये लोग अपने काम में लगते चले जा रहे हैं, भीड़ कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती ही चली जा रही है, छाते लेकर लोग खड़े हैं। और ये देखिए जल भराव हो गया, इतना ज़्यादा बारिश हुई ना कि सड़कों पर पानी भरा हुआ था, और ये देखिए चारों तरफ बस पानी ही पानी, पानी ही पानी। और घर में रहो तब तो पता नहीं चलता कितनी ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन जब बाहर निकलो तब समझ में आता है इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि सड़कों पर पानी भर जाता है। तो यहाँ पर चारू और चारू के पापा आ रहे हैं, और बारिश थोड़ी सी कम पड़ी है, ज़्यादा नहीं। और हम लोगों के लिए आ गए हैं मेले से खस्ता चाट,
और मेले में नहीं गए तो क्या, मेले का मजा ले रहे हैं हम लोग घर पर ही बैठकर और इतनी बारिश में। और उसके बाद हम कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी और आज बनेगी मशरूम। तो वही हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको साफ कर रहे हैं क्योंकि ये जब आई थी, जब ये गए थे मंडी सब्जी लेने के लिए, तब से रखी हुई थी और इसका समय ही नहीं आ रहा था बनाने का। कभी कोई सब्जी बन जाती, कभी कोई सब्जी बन जाती, तो ये इसको थोड़ा सा साफ कर रहे हैं और इसको गर्म पानी से धुलेंगे। वैसे जब ये फ्रेश आती है तब तो इसको छीलने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि तब इतनी साफ होती है, लेकिन ये दो तीन दिनों से रखी हुई थी इसीलिए इसका छिलका जो है ऊपर का हम निकाल दे रहे हैं। और मशरूम को काट के हमने रख दिया है और इसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और इधर हमने मटर उबलने के लिए रखी थी, तो मटर हमारी पक चुकी है, इसको छान लेते हैं। और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं ग्रेवी बनाने की तैयारी। तो हमने प्याज लिया है, हरी मिर्च ली है, टमाटर लिए हैं, लहसुन लिए हैं, तो यहाँ पर इनको थोड़ा मोटा मोटा ही काट लेंगे तो चल जाएगा। और उसके बाद इनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, उसमें डाल दिया है जीरा, लहसुन, थोड़ी सी हींग, कटी हुई हरी मिर्च, प्याज और टमाटर। तो सारी चीज़ों को हमको थोड़ी देर पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका कलर हमको नहीं चेंज करना है, हल्का सा पकाना है। और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ठंडा हो गया है तो हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे, इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी हमने तैयार कर ली थी, उसके बाद यहाँ पर पुलाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पानी हमारा गर्म हो चुका था, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है और पुलाव वाले चावल धो के डाल दिए हैं और ये थोड़ी देर में बन जाएंगे। तब तक हम जो है मशरूम को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, ऐसे ना महक थोड़ा सा आती है, अगर फ्राई कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबका अपना तरीका होता है, कई लोग फ्राई करते हैं, कई लोग ऐसे ही बनाते हैं, तो हमने थोड़ा सा फ्राई किया है। उसके बाद अब हम सब्जी बनाएंगे। तो तेल डाल दिया हमने थोड़ा सा, उसमें डाल दी है तेज़पत्ता, हींग, जीरा और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी जो हमने तैयार की थी और इसको थोड़ी देर पकाना है। और यहाँ पर हम पुलाव भी अपने देखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे चावल जो है पक चुके हैं, तो इनको हम छान लेते हैं। और ये ग्रेवी थोड़ा सा पक गई तो तब इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा पकाएंगे। और उसके बाद इसमें हमने डाल दिया था थोड़े से काजू, जो रोस्ट किए हुए थे काजू थे वो हमने डाल दिए हैं। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और उसके बाद जो मटर हमने उबाल के रखी थी वो डाल देंगे। और थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे मशरूम, और मशरूम थोड़ी हमारी कम थी, और थोड़ी होती तो और मज़ा आता। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। और ये देखिए हम लोगों की बातें चल रही, थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी, आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा, आपको कैसी ग्रेवी चाहिए। तो पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर पकाएंगे और करीब 10 मिनट तक पकाने के बाद हमारी सब्जी बन चुकी थी। तो यहाँ पर चारू को दे दिया है खाने के लिए और ये थोड़ा जल्दी सो जाती है, और मटर थी इसीलिए वो खा रही, नहीं तो वैसे तो सब्जी बहुत ही कम खाती है। तो यहाँ पर रोटी बना लेते हैं, पुलाव भी हमारे तैयार हो चुके हैं। और बारिश जो है रिमझिम वाली बारिश लगी हुई है, लगातार होती जा रही है। और मशरूम की सब्जी बनाने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है, लेकिन स्वादिष्ट बहुत लगती है। वैसे तो इसका सीजन जो है सर्दियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में आती है, लेकिन इस समय भी मार्केट में आ रही है। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जी बनकर हो गई है तैयार। और हमारे घर में पहले तो बहुत ही कम खाई जाती थी, लेकिन आज जब बनाई है ना तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो यहाँ आप लोगों के लिए भी थाली लगा दी है, आप लोग भी आइए खाइए, खाकर बताइए कैसी लगी आप लोगों को मशरूम की सब्जी। और सच में स्वादिष्ट तो बहुत ज़्यादा ही बनी थी। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का खाना पीना हो रहा है, पापा जी खा चुके हैं तो उसके बाद हम लोग भी आ गए हैं खाने के लिए। और ये देखिए चारू यहाँ पर लगी हुई है नेल पेंट लगाने में, इनको बड़ा शौक है सब चीज़ों का, सारी हमारी जितने भी मेकअप की चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें ये बर्बाद कर देती हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सुबह का नाश्ता हो चुका है, चाय भी सब लोगों ने पी ली है और हमारा खाना भी बनकर तैयार हो गया है। और आज हम वो काम करने जा रहे हैं जो हमको नागपंचमी वाले दिन करना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो नागपंचमी वाले दिन हम लोगों के यहाँ सुजिया बोई जाती हैं, जो गेहूँ हम लोग घुघरी उबालते हैं, जब
शाम को भिगोई जाती हैं तो थोड़े से गेहूँ बचा लिए जाते हैं, उनको कपड़े में बांधकर रख दिया जाता है और थोड़े से जब गेहूँ अंकुरित हो जाते हैं तब उनको मिट्टी में डालकर बोया जाता है और उन्हीं को हमारे यहाँ सुजिया बोलते हैं। तो ये हम लोगों की तैयारी रक्षाबंधन की हो रही है, क्योंकि ये सुजिया हम लोग मायके लेकर जाते हैं और भाई के जब राखी बांधते हैं तो इसको भी ऊपर रखा जाता है। और पता नहीं किसके किसके यहाँ होता है कि नहीं होता है, हम लोगों के यहाँ तो होता है मायके में, यहाँ पर तो नहीं होता है, ससुराल में ये सब नहीं होता है, सुजिया नहीं मनाई जाती है, लेकिन हमारे मायके में होता है। तो हम लोग जब अपने मायके जाएंगे तो ये सुजिया अपने साथ लेकर जाएंगे राखी के साथ में, और ये मेन मानी जाती है हम लोगों के यहाँ, राखी के साथ इसको भी रखा जाता है। तो सुजिया बोनी चाहिए थी नागपंचमी वाले दिन, लेकिन नहीं बो पाए क्योंकि मिट्टी नहीं आई थी, खेत की मिट्टी लगती है इसमें, खेत से मिट्टी लाई जाती है, उसके बाद अंकुरित जो गेहूँ के दाने होते हैं उनको बोया जाता है। तो और कल पड़ गया था मंगलवार, इसीलिए बो नहीं सकते थे, तो आज बुधवार है, तो चलिए अपनी सुजिया बोते हैं और बहुत खुशी होती है जब मायके के लिए कुछ करना होता है। तो चलिए तैयारी करते हैं रक्षाबंधन की अभी से, और उसके बाद हम सास बहू मिलकर कर रहे हैं अपने मायके जाने की तैयारी। अब तैयारी तो कह ही सकते हैं क्योंकि वो अपने मायके लेकर जाएंगी, हम अपने मायके लेकर जाएंगे। हमारे यहाँ ससुराल में तो नहीं होता है, लेकिन मम्मी के मायके में भी होता है और हमारे मायके में भी होता है। तो मम्मी भी अपने मायके लेकर सुजिया जाती हैं और हम भी। तो मम्मी जो है पहले गगरी लेकर आई थी, कह रही थी इसमें बो देंगे, लेकिन फिर उनको समझ में नहीं आए तो फिर उन्होंने भगोना एक जो बेकार पड़ा था उसमें बोई है और हम इसमें बो दे रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हमने मिट्टी डाल दी है, उसके ऊपर जो है तब अंकुरित गेहूं डालेंगे और ये गेहूं बहुत ही जल्दी उगाएंगे, और उसके ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डाल देंगे। और चारू भी लगी हुई थी, कह रही थी हम भी अपने भाई लोगों के लिए बोएंगे, तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा अलग कर दिया क्योंकि वो बेकार कर रही थी। और मम्मी भी लगी हुई है क्योंकि सबको अपने मायके जाने की, वहाँ तैयारी करने की ज़्यादा खुशी होती है। और हम लोगों के यहाँ बेटियाँ बहनें ये इसको लेकर जरूर आती हैं। तो यहाँ पर इसको जो है ढक दिया है मिट्टी से और इसको ढक कर रखेंगे, नहीं तो जब ये उगते हैं ना तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो चूहों की होती है, चूहे इनको काट डालते हैं। तो यहाँ पर इसको ढक के रख दिया है, ऊपर से कुछ वजन रख देंगे ताकि चूहे जो है खोल ना पाए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।